और छोटे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 2.5 किलो के हाथ से बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले आपको मिल सके हमारी वीडियो। कुछ दिन पहले जब नेटफ्लिक्स पे सेक्रेट गेम्स रिलीज हुई थी तो ये काफी चर्चा में आ गया था। जो मसाला लोग ढूंढते हैं वो अब उनको वेब सीरीज पर मिलने लगा है। शायद यही रीजन है कि लोग अब वेब सीरीज में काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। इसमें सेंसर बोर्ड की कोई झंझट नहीं होती है, इसीलिए इसमें हमें सेक्स सीन और गाली गलौज को खूब अच्छे से परोसा जाता है। सेक्रेट गेम्स के तहलका मचाने के बाद मिर्जापुर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अब मानो लोग ऐसी सीरीज को ढूंढने में लग गए हैं, मतलब इसमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं। आजकल वेब सीरीज के डायलॉग्स और मेम्स इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के आए इस सीरीज से माहौल बहुत गर्मा गर्मी में है। आजकल लोग कहीं भी हो बस वेब सीरीज की चर्चा करते हैं और अब तो काफी बॉलीवुड एक्टर्स भी इसमें हिस्सा लेने लगे हैं और इससे सीरीज का मजा और भी दुगुना हो गया है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर के अलावा ऐसी कौन कौन सी सीरीज है जो आपको देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी फिल्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है नेटफ्लिक्स की सेक्रेट गेम्स की। सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे इसमें मुख्य भूमिका में है। इस सीरीज को इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया गया। सेक्रेट गेम्स को डायरेक्ट किए अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवा ने और इस सीरीज ने वाकई में तहलका मचा दिया, मानो कुक्कू का जादू चल गया। जल्द ही हमें इसकी दूसरी सीजन देखने को मिलेगी और इसका इंतजार हम सभी बेसब्री से कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अमेज़न प्राइम की मिर्जापुर, जिसने सच में वेब सीरीज का ट्रेंड हिला दिया। इसका डायलॉग काफी चर्चाओं में है। इसमें थे अली फजल, विक्रांत मासी, देवेंदु शर्मा और पंकज त्रिपाठी। इस सीरीज का भी दूसरा सीजन आने वाला है। अगर आप इस सीरीज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अमेज़न प्राइम की एक और हिट सीरीज ब्रेड, जिसमें आर माधवन और अमित साध मुख्य भूमिका में थे। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है जिसमें एक साधारण आदमी असाधारण सिचुएशन को झेलता है, वहीं अमित साध एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं। दोनों का एक्टिंग काफी जबरदस्त है। इस सीरीज की स्टोरी आपको बांध कर रखती है और इसको डायरेक्ट किए थे मयंक शर्मा। इसके बाद चौथे नंबर पर है नेटफ्लिक्स की लस्ट स्टोरीज। इसको चार डायरेक्टर ने मिलकर डायरेक्ट किया है और चारों डायरेक्टर की अलग अलग स्टोरी और अलग अलग स्टार कास्ट हुई हैं। ये सीरीज कायरा आडवाणी की वायरल हुई सेक्स सीन की वजह से काफी चर्चाओं में रहा था। वासना पर आधारित ये सीरीज काफी सुर्खियों में रही थी। ठीक उसी तरह पांचवे नंबर पर है अल्ट बालाजी की गंदी बात। अगर आपको वासना पर आधारित सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगा। इस सीरीज की स्टोरी राधा कृष्ण प्रकाशन की एक बुक गंदी बात से ली गई है। इसके बाद छठे नंबर पर है अमेज़न प्राइम की इनसाइड एज। ये एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई पहली वेब सीरीज थी और इसने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसमें विवेक ओबराय और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में थे। इसकी कहानी T20 क्रिकेट के इधर गिधर घूमती है, जिसमें ऋचा एक टीम की मालकिन रहती है और इसको डायरेक्ट किए हैं मिर्जापुर के डायरेक्टर करण अंशुमन और गुरमीत सिंह। ठीक उसी तरह सातवें नंबर पर है नेटफ्लिक्स की घोल। ये एक हॉरर स्टोरी है। घोल का मतलब पिचास होता है। ये अरबी की परी कथा पर आधारित है, जिसमें राधिका आप्टे, महेश बलराज और मानव कौल मुख्य भूमिका में हैं। इसको डायरेक्ट किए थे पैट्रिक ग्राहम। ये 3 एपिसोड की सीरीज है। अगर आप हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद आठवें नंबर पर है अल्ट बालाजी की बॉस डेड अलाइव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है ये सीरीज। इसमें सुभाष चंद्र बोस के रोल में है राजकुमार राव और इसको डायरेक्ट किए हैं पुलकित। ये सीरीज आपको वो सारी रहस्यमय बातें बताती है जो आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह 9वें नंबर पर है अल्ट बालाजी की ब्रोकेन बट ब्यूटीफुल।
अगर आप लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें विक्रांत वासी, हरलीन सेठी और जतिन गुलाटी मुख्य भूमिका में हैं। ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसमें उसकी बीवी की डेथ हो जाती है बट उसको अपनी बीवी नजर आती है। ओवरऑल उसकी स्टोरी अच्छी है और आप इसको एक बार देख सकते हैं। इस लिस्ट में आखिरी यानी 10वें नंबर पर है अल्ट बालाजी की अपहरण सबका कटेगा। अरुणोदय सिंह, निधि सिंह, माही गिल और वरुण बदोला इसमें मुख्य भूमिका में है। इस सीरीज का रिव्यू आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और इन 10 सीरीज में से सबसे बेस्ट कौन सा है ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकूँ। थैंक यू।